नमस्कार। डीडी समाचार की टीम आज ग्राम पंचायत टोकवासा पहुंची है। वहां के जनप्रतिनिधि भीमराज जी, इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास करवाया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इनको क्या क्या बजट मिला। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ साहब, मैंने पहले तो फर्स्ट में जहाँ जहाँ कीचड़ था, जहाँ जहाँ मतलब रोड की अड़चन आ रही थी, वो विकास मैंने सीसी रोड मैंने करवाया और स्वच्छ भारत के अभियान से मैंने यहाँ जहाँ जहाँ गंदगी हो रही थी सही हर जगह मैंने सफाई करवाई और सफाई करने के बाद सबको सोशली भी बनाया गया और हमारी पंचायत ओडी हुई। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ कोई गरीब परिवारों को लाभ मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से हमारे यहाँ कच्चे मकान में निवास थे, किसके पास झोपड़ा था, अच्छे से मकान मतलब सब लोगों ने जो पीएम आवास दिया है, अच्छा लोगों ने सब बना दिए हैं, अच्छा विकास हुआ सब। और सर, नरेगा, आपकी ग्राम पंचायत में नरेगा चल रही है, नरेगा के तहत क्या क्या कार्य करवाए गए? नरेगा की तरह से हमारे यहाँ एनीकट है, तालाब है, कई रोड पे काम है, कच्चे रोड हैं, कहीं कहीं मतलब झाड़िया वगैरह कहीं साफ सफाई में नरेगा काम करवाया सब। सर, आपकी ग्राम पंचायत में पानी की कोई समस्या आ रही है, पानी की समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने क्या किया? पानी के समाधान के लिए सब हमारे यहाँ पानी की जो लाइन जो डाली हुई है वो एकदम नीचे लेवल में है, तो उसके हम पाइपलाइन नहीं जोड़ सकते हैं और पानी की टंकी नहीं बनाई जाए तो ये समस्या हल हो सकती है, नहीं तो हमारे हेडपंप से पानी पीना पड़ता है। सर, अब मैं बात करता हूँ सरपंचों की मानदेय पर। सरकार आज सरपंचों को 3500 से 4000 रुपये दे रही है, इस विषय में आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहोगे? सरपंच काम तो कर लेते हैं बिल्कुल इतना, पर उनका खर्चा ही भी पूरा नहीं होता है सब, तो वो कम से कम 10 किलोमीटर रनिंग में सरपंच को डेली घूमना पड़ता है, तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है सब, तो कम से कम मानदेय तो उसको सरकार के काम के हिसाब से बढ़ाना चाहिए सब। कितना मानदेय होना चाहिए जो सरपंच कार्य कर सके? इसमें कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तो होने ही चाहिए सब। 15-20 हज़ार। सर, मैं अब भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। मोदी जी हर बार अपने भाषण में यही बात कहते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद हुआ, क्या ये धरातल में बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार तो हमेशा थोड़ा थोड़ा तो चलता ही रहेगा सब, चलता रहेगा, बंद नहीं हुआ, बंद हुआ ही है अभी तक तो। सर, मैं अब आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में जानना चाहूंगा। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत आपने कब की? आगे जिंदा रखने के लिए कौन सा चुनाव लड़ोगे? फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं सब, पहले मैं वार्ड पंच का चुनाव लड़ा सब जनरल सीट पे, 5 साल वार्ड पंच रहा, दूसरी बार वापस वार्ड पंच का चुनाव लड़ा तो मुझे पंचायत में उप सरपंच निरोध कर दिया सब, ठीक है, वापस मैंने चुनाव नहीं लड़ा, बंद कर दिया। अब ये एसटी सीट आते ही मेरे यहाँ आके दोनों गांव वाले ने बोला कि सब यहाँ से दोनों गांव से निरोध कर देंगे आपको और चुनाव लड़ो सब, तो मैंने गांव का सहयोग से मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीत गया सब। आगे जनता आपसे क्या उम्मीद रखे, कौन सा चुनाव लड़ोगे आगे? आगे अब जनता जो हमारे से निर्णय लेगी और जनता बोलेगी उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे सब और जनता को साथ में लेकर काम करेंगे और जनता को साथ में लेकर चलेंगे सब। सर, चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा तो यही संदेश है सब, एक तो भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, जैसे मोदी जी ने हमारे ये पीएम आवास दिए, गरीब लोग काफी उसको जीवन में दुखी थे, उसने मकान बनाया सब, और ऐसे ऐसे मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी बनते रहेंगे तो सब हमारे गरीब लोगों की काफी सहायता और वो आगे बढ़ेंगे सब। धन्यवाद सरपंच साहब। आज सरपंच प्रतिनिधि भीमराज जी ने बताया कि ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास करवाया। देखते रहें डीडी समाचार।